नमस्कार, हिंदी आचार्य में आपका स्वागत है। बच्चों, आज पढ़ेंगे निबंध वैशाखी का मेला। तो चलो बच्चों शुरू करें। भारत देश त्योहारों का देश है। भारतीय नववर्ष का सबसे पहला महीना चैत्र का होता है। चैत्र के महीने के बाद दूसरा महीना वैशाख का आता है और वैशाख के महीने के पहले ही दिन वैशाखी का त्योहार होता है। वैशाखी वाले दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। वैशाखी का त्योहार खेतीबाड़ी से संबंधित बहुत ही पुराना त्योहार है, विशेषकर उत्तर भारत में। इन दिनों में ही गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी होती है और किसान अपनी फसल की कटाई करके खुशी मनाते हैं। इसी तरह वैशाखी के त्योहार वाले दिन जगह जगह पर मेले लगते हैं। हमारे गांव में भी हर साल वैशाखी का मेला लगता है और हमें हर साल इस मेले का इंतजार रहता है, क्योंकि हम बच्चों के लिए इस मेले में बहुत सी चीजें होती हैं। सुबह सुबह हम सब मिलकर मंदिर और गुरुद्वारे में पहले माथा टेकते हैं और लंगर खाते हैं। इसके बाद हम सब बच्चे मिलकर बड़ों के साथ वैशाखी का मेला देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर लोक नाच करने वाले कलाकार आए हुए होते हैं, जो कि गिद्दा व भंगड़ा आदि नाच करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। इस मेले में खाने पीने के लिए भी बहुत सारी दुकानें लगाई जाती हैं। कहीं पर जलेबियाँ होती हैं तो कहीं पर पकौड़े। हम सब इन चीजों को खाकर बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से वैशाखी के मेले में खिलौनों की भी बहुत सारी दुकानें होती हैं और हम इस मेले के कुछ दिन पहले से ही पैसे जोड़ने शुरू कर देते हैं ताकि हम खिलौनों को खरीद सकें। वैशाखी के मेले में हम बहुत सारे झूले भी झूलते हैं और बहुत मज़ा आता है। सच में मुझे तो वैशाखी का मेला बहुत पसंद है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह निबंध अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।